इनका डेली का काम है सर, और आज ही नहीं हमारे साथ बहुत पहले से ये घटना होती रहती है, लेकिन कभी होता था कि रात को आते थे 2-2.5 बजे के होता था, लेकिन अब तो ज़्यादा ही हुआ है सर, 11:30 बजे आदमी सेफ नहीं है, सारी दुकानें खुली हैं, बिल्कुल नंगे हथियार लेके चल रहे हैं, कोई उन्होंने मास्क नहीं पहना था, कुछ नहीं है, मतलब वो बेखौफ है, मतलब ऐसा कोई जी। थाना मोकमपुर के एरिए जेड़े कोई नशे का कारोबार करने वाले, जुआ खेड वाले, तो लुट दी वारदातों अंजाम देने वाले, ये असं 3 तरह के नैक्सस जोड़े ने इतने तोड़े ने संबंध में है। एक तो लोको गेट तो कोई बंदे से जोड़े इतने शराब जल्दी लैके आ रहे थे, नजायज़ शराब निर्मल सिंह से चक मिश्री खां लोको गेट तो, एक तो उन्होंने असं 40 बोतलों अरैसट कर लिया। एक कोई इतने होटल है ईस्टा, वो जुए का एक नैक्सस चल रहा है, वो असी 8 बंदे मौके पर जिद 54,000 रुपए जोड़े उन्होंने जुए के उन्होंने बाजी लाई हुई थी वो असी मौके तो फड़ ले। तो एक तीसरा है जिहड़े विच एक ग्रोह सी जिहड़ा कि दातर ते तलवारां दे नाल इत्थे ऑपरेट करदा सी, ते जिहड़े रंजीत एवेन्यू साइड तो रात नूं जिवें शेफ ते मैनेजर आउंदे सी चंगे होटलां दे विचों, उहनां नूं टारगेट करके ते उहनां तों लुटखो करदा सी। इह सानूं जिवें परसों रात तो पता लग्गिया ते असीं एक्टिवली इस चीज़ नूं परस्यू करन लग गए, ते कल रात फिर असीं जिहड़े बंदे सी इहनां नूं समेत इहनां दे 23 हथियारां दे नाल असीं अरैसट कर लिया। किन्ने बंदे टोटल सर? इह टोटल 6 बंदे ने, इन्हां दे विच एक बंदा हैगा जिहते पहलों ही लुटखो दा मामला दर्ज है 379B दा, वह गुरदासपुर जेल दे विचों हुणे ही अजे थोड़े दिन पहले ही जेल चो बाहर आया, तो उन्हें फिर अपने गैंग मैंबर नाल ही शामिल करके उन्होंने फिर उस तरीके दे नाल लुटा खोहां नूं अंजाम देण लग गए। इन्हां दे नाल 2-3 बंदे सानूं एक्सपैक्टेड है, जे बरीकी नाल असीं पुछगिछ कर रहे हैं, जे कोई होर बंदे शामिल ने तो असीं इन्हां नाल डुंगाई च इन्हां दा रिमांड लैके होर पुछगिछ करके तो फिर वह भी अरैसट कर लाँगे। सर टारगेट किवें बणाउंदे सी जिहड़ा? यह ज़्यादातर जिहड़े वेखो बाइक ते राह ही लाउंदे ने, पर इन्हां नूं यह पता सी कि इत्थे जिहड़े इस एरिए दे विच रैश है, जिहड़े लोकी मैनेजर जां शेफ दा काम करदे ने रंजीत एवेन्यू दे चंगे होटलां च, यह स्पैसीफिकली ज़्यादा उन्होंने टारगेट करते सी इत्थे। कोई खास नहीं इदा दी गल सामने आई, बाकी अजे होर लग रहा। होटल ईस्टा दे विच खेडिया जा रहा सी, ते उहदे विच टोटल 8 बंदे साढ़े को जिहड़े मौके तो फड़े गए ने, 54,000 रुपया उत्थों बरामद होया सानूं मौके तो ताश दे नाल। ये इन्हां ते 399-402 का परचा जिहड़ा कि लुटखो की तैयारी की करते होंगे वो परचा दर्ज किया गया, इन्हों पेश अदालत होने करके रिमांड हासिल किया जाऊगा, फिर इन्हों बरीकी तो पिछले चलिया जाऊगा भी इन्होंने होर अज तक कोई इदा वारदातों को अंजाम जो दिता हो होर रिकवरी होने की उम्मीद है सानू। ये सिर्फ दातर के कृपाना तिखियां उन्होंने यूज करते। सर मेरा नाम हरीश है, मैं होटल में काम करता हूँ रंजीत एवेन्यू में। सर हम रात को आ रहे थे 11:30 बजे की बात थी, होटल से आ रहे थे अपने आराम से, तो वहाँ पे लड़के थे कोई बदमाश, और रात को पढ़ते हैं डेली, इनका डेली का काम है सर, और आज ही नहीं हमारे साथ बहुत पहले से ये घटना होती रहती है, लेकिन कभी होता था कि रात को आते थे 2-2.5 बजे के होता था, लेकिन अब तो ज़्यादा ही हुआ है सर, 11:30 बजे आदमी सेफ नहीं है, सारी दुकानें खुली हैं, बिल्कुल नंगे हथियार लेके चल रहे हैं, कोई उन्होंने मास्क नहीं पहना था, कुछ नहीं है, मतलब वो बेखौफ है, मतलब ऐसा कोई ये नहीं है कि आज ही नहीं है, बहुत सारी घटनाएं होती रहती है सर हमारे साथ ही, रात को अब तो ज़्यादा ही होने लगा है सर। हम यही मांग करते हैं सर पुलिस से कि हमें सुरक्षा दी जाए, आज का ही नहीं है सर, हमारे कभी 1 बजे आती है 1:30 बजे आती है, अगर पुलिस गश्त मारती है तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर लोग, हम लोग ठीक है ना सर। तो इस चीज़ की कई घटनाएं हैं सर हमारे साथ ही, आपको इनको जेल भेजो, चैनल के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं, इन लोगों को सख्ती से सख्ती पेश आए, इन पर जो भी धार लगती है लगाएं, इनको अंदर करें, क्योंकि आने वाले जो लोग हैं वो भी सीखे हाँ यार कि ये पुलिस काम करती है और ये इनके साथ ही होता है।